तो कैसे हैं आप सब? आज काफ़ी टाइम बाद है जो मैं YouTube पर पोस्ट डाल रहा हूँ, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। अवेयरनेस रिलेटेड जो है, फाइनेंशियल फ्रॉड ऑनलाइन आजकल बहुत चल रही हैं। अभी कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जहाँ पर आपको लोन मिलता है 2,000 का, 3,000 का। 3,000 रुपये का आप लोन लेते हैं और आपको जो है 1,700 रुपये आपके अकाउंट में आते हैं, और हफ्ते बाद जो है आपको 3,000 रुपये उनके रिटर्न करने पड़ते हैं, यानी कि डबल इंटरेस्ट में जो है आपको पैसे उनके वापस करने पड़ते हैं विद इन 1 वीक, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ये एप्लीकेशन से जो इलीगल एप्लीकेशन होती हैं, RBI रजिस्टर्ड नहीं होती, तो थोड़ा आप इनसे बच के रहें। ये तो प्लस है ही है कि आपने एक लोन ले लिया, बट लोन नहीं लिया तो भी मैसेज करेंगे आपके पास। अभी एक जो है ऐसा फ्रॉड ऑनलाइन बहुत चल रहा है। तो 28 दिसंबर को क्या हुआ, 28 दिसंबर 2022 को मेरे पास मैसेज आया सुबह 10 बजे के आसपास कैश वॉलेट के नाम से, कि आपने जो है एक लोन लिया है और उसकी ड्यू डेट है जो आज 28 तारीख को है, और आप अपना लोन पे कर दीजिए। तो मैंने तो कोई लोन कैश वॉलेट से लिया नहीं था, और जो मैंने गलती से मेरे पास जो है लिंक पर क्लिक हो गया, उन्होंने एक लिंक दिया था, लिंक से क्लिक करके तो वो जो एप्लीकेशन डाउनलोड होगी, मुझे ये था कि मैं डिटेल चेक कर लूँ एक बार कि क्या भी लोन लिया भी है। तो मैंने उनसे जब व्हाट्सएप पर कहा कि आप मुझे स्टेटमेंट दीजिए, तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया कि मैंने कब लोन लिया है कब नहीं लिया। और उसके बाद लगातार जो है मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट नंबर से जो है मैसेज आते हैं कि आपका जो लोन है वो ओवरड्यू हो गया है, हम आपको सीरियसली बता रहे हैं, नहीं तो हम आपके कॉन्टैक्ट्स में, आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में जो बात करेंगे। तो अब ऐसे में बात कर भी लीजिए, बट जब हमने लोन लिया ही नहीं तो हम किस चीज़ के वो करें। तो फिर मैंने इसके बारे में सर्च किया, तो सर्च किया जब तो काफ़ी लोगों को जो है ये कंपनी ऐसे मैसेज करते हैं, तो ये जो है दरअसल बिल्कुल फ्रॉड है। सर्च करने के बाद है जो फिर मैंने साइबर क्राइम में 1930 पर कॉल किया, उनसे बात की, तो उन्होंने भी कहा कि सर वो फ्रॉड है, आप उनकी चिंता मत कीजिए। तो फिर मैंने उनसे सारी डिटेल ले ली। कंफर्मेशन एक बार जरूरी होती है ना, कि वो क्या पता कॉन्टैक्ट में हमारे बात कर ले, हमारे रिलेटिव्स में, हमारे फ्रेंड्स में, तो ऐसे खामखा बेइज्जती होती है। तो वहाँ पर मैंने कंप्लेंट अपनी cybercrime.gov.in पर मैंने अपनी वहाँ पर भी कंप्लेंट दर्ज कर दी, आप चेक भी कर सकते हैं। और फिर मैंने काफ़ी सर्च किया कैश वॉलेट के बारे में, तो उसके बाद जो है यही आया कि वो हर एक इंसान को जो है मैसेज करते हैं इस प्रकार से कि जो आप अपना लोन दे दीजिए, और लोन देने के बाद है जो मान लीजिए आपने एक बार लोन उनको भी दे भी दिया, वो आपको तंग लग गए करने, और आपने एक बार अगर भर भी दिए पैसे बिना मतलब के पैसे, तो वैसे आपको भरने ही नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने भर ही दिए पैसे, तो फिर भी वो आपको 1 महीने बाद 2 महीने बाद जो है तंग करेंगे दोबारा से किसी अलग कंपनी के नाम से कि आप अपना लोन है जो भर दीजिए, तो ऐसे में आप जो है फंस जाएंगे। प्लस मैंने जो जब सर्च कर रहा था मैं इसके बारे में, तो मैंने देखा कि काफ़ी लोगों को इन्होंने इस तरह से मेंटली डिस्टर्ब किया हुआ था, उनकी फोटोज जो है, उनके न्यूड पिक्स जो है उनको उनके रिलेटिव्स में, उनके फ्रेंड सर्कल में जो है उन्होंने सेंड किए हुए थे, और उनकी फोटोज पर चोर ठग लिख लिख के कुछ ऐसा ऐसा उन्होंने जो है उनके रिलेटिव्स ने जो है सेंड किए थे। और काफ़ी तो मैंने जब न्यूज़ पर देखा तो काफ़ी ने तो वैसे न्यूज़ भी आई कि सुसाइड भी कर लिया इसी वजह से। आप देखेंगे अभी जो न्यूज़ में आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, यहाँ पर मैंने न्यूज़ पढ़ी, पूरा आर्टिकल पढ़ा, तो ये भी देखिए 3-4 लाख रुपये इनको जो है चूना ऐसे लगा बैठा है, और आखिर में इन्होंने भी हार मान ली कि अब आपको जो करना है वो कर लीजिए। तो ऐसे में आप इनको पैसे बिल्कुल मत दीजिए, और जो है आप अपना जो वो लिंक भेजते हैं, आप लिंक पर बिल्कुल भी क्लिक मत करें, क्योंकि आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो जो है एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी, और वो जो एप्लीकेशन भी डाउनलोड होगी वो प्ले स्टोर पर डाउनलोड नहीं होगी, वो ओनली ब्राउजर से ही डाउनलोड होगी। क्यों? तो ब्राउजर से डाउनलोड करने का मतलब आपको पता है कि जब आप डाउनलोड करते हैं तो वहां पर लिखा आता है कि ये आपके लिए एप्लीकेशन आपके सिस्टम के लिए हानिकारक है। तो ऐसे में आप उस लिंक पर क्लिक मत बिल्कुल भी मत कीजिए, एप्लीकेशन को बिल्कुल भी डाउन मत कीजिए, क्योंकि जब आपने लोन लिया ही नहीं तो डाउनलोड किस बात पे करना है एप्लीकेशन को, आप उनको इग्नोर कीजिए बिल्कुल। अगर आपने एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली तो वो आपके कॉन्टैक्ट के एक्सेस जो है सारे ले लेंगे, तो घबराए मत, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, किसी पर भी जो ऐसे मैसेज कर सकते हैं बिना मतलब के तंग है जो आपको कर सकते हैं। तो ऐसे में आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, एक बार 1930 पर जरूर कॉल करके उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, उनकी नॉलेज में ये बात रहनी चाहिए। और फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो टेंशन में हो जाते हैं, क्योंकि अभी हाँ अभी जो मैंने मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं वो अलग अलग नंबर से, कभी इंडोनेशिया नंबर से मैसेज आ रहा है, कभी कोलंबिया कंट्री के नंबर से मैसेजेस आ रहा है, तो बताओ ऐसे कौन सी कंट्री में बैठ के जो है मैंने लोन ले लिया उनसे, है ना। तो ऐसे में आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए और डरिए मत बिल्कुल भी, अगर गलती से आपसे कुछ हो भी जाता है या आप, तो आप अपने फैमिली से, फ्रेंड सर्कल से जरूर बात कीजिए, और 1930 पर कॉल करके उनसे एक बार जरूर बात कर लीजिए, वो आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। हो सकता है कि आपको मेरे कहने पर यकीन ना भी हो,
फिर भी जो गवर्नमेंट की वो है तो उन पर आप थोड़ा उन्होंने भी कहा कि ये सब जो है फ्रॉड होता है, तो आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं cybercrime.gov.in पर। वहाँ पर जो स्क्रीनशॉट हैं जिन नंबर से आपको मैसेजेस आ रहे हैं वो आप जो है स्क्रीनशॉट जो है उनको दे सकते हैं। और एप्लीकेशंस के नाम मैं बता देता हूँ आपको, कैश वॉलेट, हगो कैश और कोइन पार्क, कुछ ऐसे ऐसे करके अलग अलग करके नाम जो है काफ़ी कंपनी के नाम से हैं जो मेरे को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मैसेज आ रहे हैं। तो डरिए मत बिल्कुल भी, स्टे सेफ स्टे अलर्ट। बस आपको क्या करना है, आप किसी भी अननोन एप्लीकेशन को डाउनलोड मत कीजिए उनके लिंक से, अदरवाइज वो कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी जो है परमिशंस मांगते हैं। जब तो वो कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी रख लेंगे, सेव कर लेंगे, तो जहाँ से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। बट फिर भी यही बात कहूँगा कि आप उनको पैसे बिल्कुल भी मत दीजिए, एक बार भी मत दीजिए, आप उनके मैसेज को अवॉइड कर दीजिए। अगर आप ज़्यादा ही तंग हो गए हैं तो आप व्हाट्सअप को डिलीट कर सकते हैं, अपना अकाउंट है जो डिलीट कर दीजिए, वो आपको तंग फिर कैसे आपको मैसेज आएगा, तो आप तंग नहीं होंगे। फिर भी एक बार यही कहूंगा कि आप जो है लोन आजकल जो ये चल रहे हैं लोन ओनली RBI रजिस्टर्ड NBFC से ही लें, और जो उन्हीं एप्लीकेशन से लें जिनकी कि एक फिजिकल ब्रांच जो है हमारी इंडिया में है। लोन लेने से पहले जरूर सर्च कीजिए, नहीं तो आपको बहुत परेशानी का ऐसे सामना करना पड़ सकता है।